अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो होने वाली है कि जेवी आईफोन्स की प्राइस का कंपैरिजन और फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स की प्राइस का कंपैरिजन होगा आज की वीडियो में। एक भाई ने कुछ दिन पहले कमेंट किया था कि जेवी आईफोन और फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स की जो प्राइसेस का डिफरेंस है वो भी बता दें। तो इस पर मैंने एक आइडिया बनाया था कि इस पर शॉर्ट बना दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो जिसमें ये सारा डिफरेंस बता दूंगा। लेकिन शॉर्ट वीडियो नहीं, इस पर मैंने थोड़ी वर्किंग की। दो तीन दिन के बाद मुझे आइडिया हुआ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, लोगों को समझ नहीं आएगी, जो लोग देखेंगे उनको मतलब वो आइडिया नहीं हो पाएगा जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है उस पर बात कर लेते हैं कि जेवी आईफोन और फैक्ट्री अनलॉक आईफोन की प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। तो कैटेगराइज कर लें, लाख रुपए के बीच में जो आईफोन्स हैं, 2 लाख रुपये के बीच जो आईफोन्स हैं और 3 लाख रुपये के बीच जो आईफोन्स हैं उसको पकड़ लें। आईफोन 11 को फॉर एग्जांपल ले लें। आईफोन 11 की अगर बात करें तो जेवी आईफोन का जो रेट है 65 to 70,000 है, डिपेंड करता है बैटरी हेल्थ पे और फ़ोन की कंडीशन और कलर पे। 100 बैटरी हेल्थ वाइट कलर जो बेस्ट कलर कंसीडर किया जाता है उसका रेट 65 to 70,000 रुपीज़ है जेवी आईफोन का, आईफोन 11 का। अब चले जाते हैं फैक्ट्री अनलॉक पे। तो फैक्ट्री अनलॉक में इसमें 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस जो समझ आता है, 75 to 85 में आपको फैक्ट्री अनलॉक आईफोन 11 मिल जाएगा। इससे नीचे वाले जितने भी हैं उसमें 8 से 10,000 रुपये का फ़र्क होगा। अब चलते हैं ज़रा 2 लाख वाली सीरीज़ में। तो 12 प्रो मैक्स ले लें, 12 प्रो मैक्स फॉर एग्जांपल जेवी जो है वो 1,25,000 से 1,30,000 का मिल जाता है अच्छी बैटरी हेल्थ में। जेवी 12 प्रो मैक्स आपको मिल जाता है 1,25,000 से 1,30,000 रुपये में। तो यही 12 प्रो मैक्स अगर देखें फैक्ट्री अनलॉक में, तो फैक्ट्री अनलॉक में यही 12 प्रो मैक्स आपको पड़ जाता है 1.5 लाख रुपये से 1,60,000 रुपये के दरमियान। फैक्ट्री अनलॉक में काफ़ी डिफरेंस है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी ये डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 25 से 30,000 रुपये का फ़र्क। और अब चल जाते हैं 3 लाख वाली कैटेगरी में, जहाँ पर आपको मिल जाता है 15 प्रो मैक्स को ले लेते हैं। 15 प्रो मैक्स जेवी जो है एलएलए में आपको पड़ जाता है मैक्सिमम 2,70,000 रुपीज़ का। मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, अगर बॉक्स पैक लें, नेचुरल टाइटेनियम लें, 256 GB लें तो बड़ी बात है, 2,60,000 रुपये से महंगा वैसे नहीं है। 2,70,000 लगा लें, 2,70,000 में आपको बॉक्स पैक एलएलए नेचुरल टाइटेनियम आपको मिल जाता है 15 प्रो मैक्स 2,60,000 से 2,70,000 रुपये के दरमियान। अभी चलते हैं फैक्ट्री अनलॉक पे। तो फैक्ट्री अनलॉक आपको 3,50,000 से 3,70,000 रुपये के दरमियान मिलता है बॉक्स पैक नेचुरल टाइटेनियम एलएलए वाला ही। और अगर जाहिर सी बात है अगर फिजिकल सिम स्लॉट वाला हो, टीआरए हो, कनेडियन हो या कोई दूसरा वेरियंट हो, जो फिजिकल सिम स्लॉट होता है वो 10 से 15,000 रुपये महंगा है। तो यहाँ पर फ़र्क आ गया कम अज़ कम भी 90,000 रुपये से 1,00,000 रुपये का यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। तो ये फ़र्क क्यों है, ये फ़र्क क्यों है इसको समझना ज़रूरी है। इसके लिए मैं शॉर्ट नहीं बना रहा, इसके लिए मैं फुल वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला पर्सपेक्टिव है पाकिस्तानी मार्केट, यहाँ पर जो कस्टमर का माइंडसेट है, पहला पर्सपेक्टिव वो है कि कस्टमर क्या सोचता है। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि ये आईफोन आते कहाँ से हैं, आईफोन जहाँ से आते हैं वो इम्पोर्टर को ये दोनों पर्सपेक्टिव देखने पड़ते हैं। जो आईफोन के इम्पोर्टर्स हैं उनको दोनों ये पर्सपेक्टिव लाजमी देखने पड़ते हैं कि बाहर जो बाहर वाली मार्केट है उससे क्या मिल रहा है, किस कंडीशन में मिल रहा है, और पाकिस्तानी वाली मार्केट जो है वहाँ पे किस कंडीशन में लोगों को सामान चाहिए, और मैक्सिमम अपनी बिज़नेस की आउटपुट को जनरेट करने के लिए, मैक्सिमम अपने बिज़नेस का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यहाँ पर वो सामान मंगवाया जाता है जो यहाँ पर ज़्यादा बिकता है। तो पाकिस्तानी मार्केट का पर्सपेक्टिव पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो कस्टमर है उसको उसकी मेंटालिटी क्या है। उसकी मेंटालिटी ये है कि उसको सस्ता आईफोन चाहिए, उसको उसकी बैटरी हेल्थ 100 हो, 95 हो, 90 हो, 90 से ऊपर हो, बेहतरीन है, कंडीशन 10/10 हो और कलर बेहतरीन हो। ब्लैक कलर यहाँ पर कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है, सर्विस वाला फ़ोन यहाँ पर कोई आईफोन ख़रीदने को तैयार नहीं है। जिस फ़ोन में डिस्प्ले का मैसेज हो, फॉर एग्जाम्पल आईफोन 11 का डिस्प्ले चेंज है तो उसके अंदर मैसेज आ जाता है कि इस फोन का डिस्प्ले चेंज है, वो कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। सर्विस वाला फ़ोन ख़रीदने को तैयार नहीं है, जिस जो हल्का सा जिसमें से एयर भी लीक हो रही है वो भी ख़रीदने को पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। तो ये बिहेवियर सीधा कॉन्फ्लिक्ट में आता है फॉरेन मार्केट से जहाँ से आईफोन परचेज़ किया जाता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि बाहर से क्या मिलता है जो फॉरेन में मार्केट है, इम्पोर्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, एलएलए से जो अमेरिका से स्टॉक आता है या जो स्टॉक कनाडा से आता है या जो स्टॉक आता है हांगकांग से आता है, वहाँ पर बेसिकली जेवी आईफोन सस्ता इसीलिए है और पाकिस्तान में ज़्यादा हिट भी इसलिए हो गया है कि जेवी आईफोन बाहर यूज़ कम हुआ आता है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान से तो आता नहीं आईफोन, जहाँ जितना भी आता है यूज़ मार्केट से वो हांगकांग, दुबई, अमेरिका, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया ऐसी मार्केट से आता है। तो वो जो मार्केट्स हैं वहाँ पर फैक्ट्री अनलॉक आईफोन ही ज़्यादा बिकते हैं, जेबी आईफोन वहाँ पर नहीं बिकते, बहुत बहुत कम बिकते हैं। मगर मतलब अगर टोटल आईफोन की सेल देखें तो बाहर अमेरिका, यूके या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या दुबई भी लगा लें अगर, तो दुबई में भी फैक्ट्री अनलॉक आईफोन की सेल 99% है, और 1% जो वहाँ पर सेल है वो है जेबी आईफोन की। इसका मतलब यह है कि जो फैक्ट्री अनलॉक आईफोन है वो ज़्यादा यूज़ हुआ होता है, उसकी बैटरी जो नेचुरली जो ओरिजिनली उसकी बैटरी अच्छी खासी यूज़ हुई हो चुकी होती है, उसकी बैटरी हेल्थ भी डिग्रेड हो चुकी होती है, उसकी वारंटी ख़त्म हुई हो चुकी होती है। तो इसलिए जे वी आईफोन चूँकि बेहतर कंडीशन में मिलता है, बैटरी हेल्थ अच्छी होती है, वाटर पैक होता है, अब एप्पल वारंटी में भी कुछ आईफोन आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जे वी आईफोन ज़्यादा बेहतर सूट करता है, ज़्यादा मंगवाया जाता है, जो इंपोर्टर को भी सूट करता है। अभी पीटीए अप्रूव मार्केट की ये सूरत हाल है कि पीटीए अप्रूव बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास सामान पड़ा है, जो कि जाहिर सी बात है पीटीए अप्रूव फैक्ट्री अनलॉक सामान होगा। पीटीए अप्रूव जो होगा वो अगर 100 पीस फॉर एग्जांपल आईफोन 11 के लेते हैं आप, 100 पीस 11 के लेते हैं, उसमें से कम अज़ कम भी 40 से 50 पीस निकलते हैं जो ये यहाँ पे कस्टमर जिसको लाइक नहीं करता। मतलब 100 पीस की आईफोन 11 के शिपमेंट में 40 से 50 पीस ऐसे होते हैं जो कस्टमर लाइक नहीं करता, जिसके बैटरी सर्विस पे होती हैं, जिसमें से एयर लीक हो रही होती है या जिसकी बैटरी हेल्थ बहुत कम होती है, ऐसे फॉल्ट्स वाले। ये फॉल्ट नहीं है, ये एक नेचुरल फैक्ट्स हैं जो लोग यहाँ पे मतलब जिसको फैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करते मेरे ख्याल में। एनीवेज फैक्ट्री अनलॉक आईफोन की ये कंडीशन होती है, ये प्रैक्टिकल है, दुनिया में ज़्यादा फैक्ट्री अनलॉक चलता है। जेवी आईफोन तो दुनिया में, अमेरिका में फॉर एग्जांपल जेवी आईफोन तो यूज़ ही नहीं होता, तो वहाँ पर जो जितने भी सिम लॉक डिवाइसेस हैं, जितने भी सिम लॉक फोन्स हैं, वो इन दी एंड पाकिस्तान जैसी मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगाया गया है और जहाँ पर ये आईफोन बिकते भी ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो यूज़र है वो इस चीज़ को नहीं देखता। वो पाकिस्तानी यूज़र का यही माइंड है कि चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, 100 बैटरी हेल्थ है, टैक्स कम हो रहा है, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल 15 प्रो मैक्स को ले लें, 15 प्रो मैक्स 2.5 लाख रुपए का अगर आपको मिल रहा है, तो वही 15 प्रो मैक्स अगर फैक्ट्री जेवी आईफोन अगर आपको, तो जेवी 15 प्रो मैक्स अगर आपको मिल रहा है 2.5 लाख रुपए का, तो वही अगर फैक्ट्री अनलॉक में जाए तो 3.5 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा आपको, 3,20,000 का कम अज़ कम भी 3,20,000 का मिलेगा, फिर भी 70,000 रुपए का डिफरेंस है। तो एक तो ये कॉस्ट सेविंग होगी, दूसरा कॉस्ट सेविंग जेवी आईफोन और फैक्ट्री अनलॉक में ये होगी, अगर पीटीए अप्रूव भी लेते हैं आप तो 1.5 लाख रुपए वो भी ऐड हो गया, तो ये भी सेव हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक सेक्रीफाइस करनी है कि दो फ़ोन रखने हैं, तो लोग बेसिकली इसी चॉइस को आगे लेकर चलते हैं, दो फ़ोन रख लेते हैं, बड़ा आईफोन रख लिया सिम चलाने के लिए, दूसरा छोटा फ़ोन रख लिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट लेके लोग चलते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसों का डिफरेंस है और चीज़ भी अच्छी मिल रही है। फैक्ट्री अनलॉक अगर आप फॉर एग्जांपल आपको आईफोन 12 प्रो मिलता है 1,30,000 से 1,40,000 रुपए का, वही जेवी आप जेवी में आपको 1,10,000 रुपए का करीब मिल जाता है आईफोन 12 प्रो 128 GB। उसकी उसमें एक चीज़ ये भी है कि जो जेवी आईफोन 12 प्रो आपको मिलेगा उसकी बैटरी हेल्थ और कंडीशन बेहतर होगी, और जो फैक्ट्री अनलॉक आपको आईफोन 12 प्रो मिलेगा उसकी कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ हुई होगी और बैटरी हेल्थ भी कम हुई होगी। जेवी आईफोन में बाहर से अगर आप परचेज़ करते हैं तो अच्छी बैटरी हेल्थ और अच्छी कंडीशन वाले फ़ोन्स की रेशो बहुत ज़्यादा है इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेवी आईफोन्स को अगर परचेज़ करते हैं तो उसमें अच्छे फ़ोन्स की कंडीशन बहुत, उसका जो बैटरी हेल्थ के हिसाब से अगर देखें तो जेवी आईफोन को परचेज़ करना बेहतर है, क्योंकि उसमें रेशो अच्छे फ़ोन्स की बहुत अच्छी होती है। और फैक्ट्री अनलॉक अगर परचेज़ करना चाहें तो आईफोन 11 या 12 को ख़रीदते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई फ़ोन सर्विस में ना निकल पाए, उसके बावजूद सर्विस में फ़ोन निकल आते हैं जो यहाँ पे जाहिर सी बातें बेचने मुश्किल हो जाते हैं, या डिस्प्ले मैसेज वाले फ़ोन निकल आए तो वो भी बेचने मुश्किल हो जाता है। कम बैटरी हेल्थ में 85 से कम बैटरी हेल्थ भी यहाँ पर रेड फ्लैग है, 85 से कम बैटरी हेल्थ भी लोग ख़रीदते नहीं हैं। मतलब पाकिस्तानियों को ये जो बिहेवियर है वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूके और अमेरिका जैसी मार्केट को या कनाडा जैसी मार्केट को देखें तो वहाँ पे लोग 11 सीरीज़ या 12 सीरीज़ 13 सीरीज़ भी अब ख़रीदते नहीं हैं, लोग सिंपली एप्पल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उनको वो ख़रीद लेते हैं। मतलब ये जो यूज़ फ़ोन का, सेकंड हैंड फ़ोन का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है, बाहर इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा है, लोग मतलब सस्ती चीज़ नहीं ढूंढते, जो उनको अच्छी चीज़ लगती हो वो ख़रीद ली जाती है। तो जो सेकंड हैंड फ़ोन है वो यहाँ पे आ जाते हैं, जेवी आईफोन जो है वो मोस्टली पाकिस्तान जैसी मार्केट में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये बेसिक जो डिफरेंस आप बताने का पर्पज़ ये था कि इस चीज़ को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जेवी आईफोन इतना सस्ता क्यों होता है और फैक्ट्री अनलॉक आईफोन इतना महंगा और यूज़ हुआ क्यों होता है। क्योंकि फैक्ट्री अनलॉक आईफोन दुनिया में ज़्यादा चलता है, जेवी आईफोन दुनिया में ज़्यादा नहीं चलता, जेवी आईफोन इतना यूज़ नहीं हुआ होता बाहर,
तो इवेंचुअली पाकिस्तान में आ जाता है। और प्राइसेस को अगर देखें तो प्राइसेस मैंने तीनों कैटेगरीज 1,00,000 रुपये के अंडर 10,000 रुपये का डिफरेंस होगा जेवी और फैक्ट्री अनलॉक में, मैक्सिमम 2,00,000 रुपये के बजट में जो आईफोन्स आएंगे उनमें 20,000 से 25,000 रुपये का डिफरेंस होगा, और जो 3,00,000 रुपये के बजट में आएंगे उसमें 50,000 से तकरीबन 90,000 रुपये तक का प्राइस में डिफरेंस होगा जेवी और फैक्ट्री अनलॉक में। इस हिसाब से ईजी हो जाएगा आइडियलाइज करना और डिसीजन लेना कि आपने जेवी आईफोन लेना है या फैक्ट्री अनलॉक आईफोन लेना है। एनीवेज आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।